शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, जिन्नात के बारे में अगर बात की जाए, आखिर ऐसी कौन सी निशानी हो सकती है जिससे हम लोगों को ये पता लग सके कि वो जगह आसिबज़द है या वहाँ पर जिन्नात हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, अगर उस मखसूस जगह का टेम्परेचर आप लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा महसूस हो, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी और बैड स्मेल आती हो, अगर वहाँ पर रोशनी बिल्कुल भी ना आती हो और घुप अंधेरा हो, तो ऐसी जगह पुरसरार मानी जाती हैं। बाज़ जगह देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा हुस्न रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जाना किसी ख़तरे से खाली नहीं होता। आज ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का, बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नबील शेयर कर रहे हैं सरगोधा से। नबील कहते हैं, आज आपके साथ अपने दोस्त और अपने कज़न की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है, मैंने, मेरे मामू के 2 बेटों ने और हमारे 2 दोस्त थे, हम लोगों ने मरी जाने का प्लान किया। मेरे जो कज़न्स थे उन लोगों का एक और दोस्त भी था जिसने हमें वहीं पर आकर ज्वाइन करना था। तकरीबन हम 6-7 लड़के थे, हम लोगों ने सरगोधा से मरी जाना था और जो हम लोगों के कज़न का दोस्त था उसने फैसलाबाद से आना था। हम लोग वहाँ पर जब मरी पहुँचे तो वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, हम लोग सफ़र के थके हुए थे, बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने मरी GPO होटल में चेक इन किया। उसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग ज़रा बाहर मॉल रोड पर निकल गए, वहाँ पर कुछ मौज मस्ती की। बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर था उस दिन, ठंड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उन दिनों में हम लोगों के इलाके में भी सर्दी थी। तकरीबन अक्टूबर का एंड और नवंबर का स्टार्ट था, तो ये दिन मरी में बहुत ही ज़्यादा यक ठंडे होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, हम लोगों के कज़न का दोस्त भी वहाँ पर आ गया था। हम सारे लड़के बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोगों ने बहुत अच्छा ट्रिप प्लान किया है। जैसे हम लोग वापस अपने होटल GPO होटल में वापस आए, हम लोगों को बेसमेंट में 2 रूम मिले थे और रूम बिल्कुल साथ साथ थे। जैसे ही रात तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम हुआ, पहले हम लोग सारे एक रूम में बैठकर बातें करते रहे। जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, हम लोग प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, तो हम लोगों को बहुत सख्त नींद आ गई। काफ़ी देर बातें करने के बाद हम सब लड़कों ने मिलकर स्मोकिंग की और उसके बाद सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। तकरीबन हम 7 लड़के थे, 3 एक रूम में थे और 4 एक रूम में थे। जैसे ही आधी रात का टाइम हुआ, हम लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जिस तरह से हम लोगों के कमरों में कोई दीवार के ऊपर जैसे कील ठोक रहा है और एक आवाज़ आती है, जैसे कोई ज़रब लगाता है दीवार के ऊपर तो आपको आवाज़ आती है कि कुछ लगाया जा रहा है। हम लोगों की आँख खुल गई, हम लोगों को लगा कि पता नहीं दूसरे रूम में ये लोग क्या कर रहे हैं, इतनी रात को ऐसा अजीबोगरीब शोर आ रहा है। हम लोगों में से 2 लड़के उठे, उन लोगों का दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खोला तो वो लोग भी जागे हुए थे। हम लोगों ने पूछा कि इतनी रात को क्या शोर शराबा कर रहे हो, उन लोगों का ये कहना था कि हम लोग नहीं कर रहे, हम लोगों की तो खुद आँख इसी आवाज़ से खुली है, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे वो लोग वापस आए तो उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों के कमरे के कर्टन के पास कोई खड़ा है, क्योंकि रूम लाइट ऑफ थी, साइड टेबल लैंप चल रहा था, उसकी रोशनी में उन लोगों को बकायदा वहाँ पर एक जिस्म नज़र आया। तो उन दोनों ने शोर मचा दिया कि पर्दे के पास कौन खड़ा है, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने पर्दा हटा कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, हम लोग सारे एक रूम में आ गए, दूसरे लड़कों को भी बुला लिया कि हम लोगों को यहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील हुई है, अभी हमने पर्दे के पास किसी को बकायदा किसी वजूद को खड़े देखा है, यहाँ तक कि कर्टन के पीछे से उसका चेहरा तक महसूस हो रहा था।
सब हम लोग घबरा गए कि एकदम से ये क्या हो गया, हम लोग तो इतने खुश थे, आखिर यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है। अब सारे लड़के एक रूम में थे तो जो दूसरा रूम था वो खाली था। उस बंद रूम में से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे हम लोगों को कोई आवाज़ें दे रहा है, हम लोगों के नाम पुकार रहा है। यही नहीं, 2 से 3 बार उस बंद कमरे के दरवाजे को भी किसी ने खोल कर बंद किया। जैसे हम लोगों ने बाहर झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम लोगों को अब ये तो था कि इतनी रात को यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। जैसे कैसे करके वो रात गुजारी, सुबह ही हम लोगों ने वो होटल छोड़ दिया। हम लोगों ने जैसे उनसे ये बात की, उन लोगों ने हमें किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि सारी रात वहाँ पर मुसलसल डिस्टर्बेंस हो रही थी। 2 से 3 बार बिल्कुल नॉर्मल छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ भी हम लोगों ने उस लॉबी में सुनी थी, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आया। बहुत ज़्यादा अजीब जगह थी वो। उसके बाद हम लोग एक और होटल में चले गए। हम लोग सारा दिन घूमते फिरते रहे, मॉल रोड पर भी रहे, बाकी प्लेसेस भी देखे। जिस टाइम रात 9 बजे का टाइम हुआ, हम लोग अपने होटल वापस आए। हम लोग थके हुए थे, हम लोगों ने खाना खाया, चाय पी, तो हम लोगों के जो रूम थे वो 2nd फ्लोर पर था। वहाँ से भी बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे 2 दोस्त बिल्कुल विंडो के पास बैठे हुए थे और बाहर का नज़ारा देख रहे थे। जलती बुझती रोशनियों में वो मंजर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दूर पहाड़ों पर कुछ घर आबाद हैं जिनकी रोशनियाँ जल रही हैं। तभी हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग अभी निकलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। अभी टाइम ऐसा नहीं हुआ था कि हम लोग फ़ौरन से बिस्तर में घुस जाते। हम लोगों ने यही सोचा कि बाहर चलते हैं। तभी हम लोगों ने प्लान किया हम मरी हिल्स पर चलते हैं, लेकिन मेरे कज़न ने ये कहा कि रात के टाइम मरी हिल्स पर जाना ठीक नहीं है क्योंकि वो जंगल का इलाका है और सुनने में आया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरसरार मखलूकात भी हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तभी सारे लड़कों ने ये कहा कि तुम बच्चों वाली बातें कर रहे हो, यहाँ पर इतनी दूर से दुनिया से लोग आते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, चलो हम लोग अभी चलेंगे। हम सारे दोस्तों ने मिलकर रात के टाइम तकरीबन 9:30-10 बजे मरी हिल्स जाने का प्लान किया। जैसे हम लोग वहाँ से निकले, हम लोगों ने बहुत कोशिश की हम लोगों को कोई कैब मिल जाए वो, लेकिन कोई हमें सवारी भी नहीं मिल रही थी। बहुत शदीद ठंड थी वहाँ पर उस रात। लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, कम रश था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकले, हम लोगों के पास 3 टॉर्च भी थी। जैसे हम लोग बातें करते करते मरी हिल्स के पास पहुँचे, वो एरिया ऐसे था जैसे घुप अंधेरे में कोई बहुत घना जंगल हो, जहाँ पर इंसान का वजूद क्या उसका नामो निशान भी ना हो। हम लोग बातें करते करते आगे बढ़े, हम लोगों को बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई हम लोग कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। इतनी शदीद ठंड थी और कोई भी नहीं था। हम लोगों को अपनी आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रही थी। हम लोग एक दूसरे को तंग कर रहे थे। हमारे जिस दोस्त ने मना किया था और जिस कज़न ने मना किया था कि इतनी रात को वहाँ जाना ठीक नहीं है, हम लोग जानबूझकर उनको डरा रहे थे। मेरा एक दोस्त दरख्त के पीछे छुप गया और उसने एकदम से वहाँ से कुछ पत्थर उठाकर उन दोनों की तरफ फेंके। वो लोग चीखे मारने लगे। तभी हम लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया और हम लोग बिल्कुल घने जंगल के अंदर आ चुके थे और मरी हिल्स के बिल्कुल करीब थे हम लोग। एकदम से हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोगों के अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है। पहले हमें वहाँ पर किसी की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। रात के तकरीबन 10:45 बजे का टाइम हो चुका था, 10:45 या 11:30 बजे का टाइम था। बकायदा हम लोगों को बातें करने की आवाज़ें, हम लोग सारे चुप हो गए। ये समझ नहीं आ रही थी कि बातें कहाँ से कोई कर रहा है। ऐसे लग रहा था बहुत सी औरतें आपस में बातें कर रही हैं। 1 से 2 दफ़ा हमने उनके हंसने की आवाज़ें भी सुनी। उसके साथ 1 से 2 दफ़ा हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे दरख्त के ऊपर से कोई चीज़ नीचे कूदी है, तो हम लोग ज़रा डर गए। तभी मेरे कज़न ने ये कहा कि मरी हिल्स का एरिया, यहाँ पर बंदर होते हैं, तो ये बंदर होंगे जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त के ऊपर छलांगे लगा रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते गए। अब मेरा दोस्त और मेरा वो कज़न जिन लोगों ने हमें मना किया था, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। बड़े आराम आराम से हम लोगों के साथ चल रहे थे, बोल भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मुसलसल किसी चीज़ का विर्द कर रहे हैं। अब हम लोग भी थोड़े घबरा गए थे क्योंकि एकदम से हम लोगों को किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी और वो बिल्कुल आवाज़ हम लोगों के करीब से आई थी। हम सब लोगों ने वो आवाज़ सुनी थी। वो आवाज़ किसी बिल्ली या किसी जानवर की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि अक्सर बिल्ली जब ऐसी आवाज़ निकालती है तो ऐसा लगता है कि शायद वो किसी बच्चे के रोने की या किसी औरत के रोने की आवाज़ लगती है, लेकिन वो बाकायदा एक औरत की चीख थी और ऐसा लगा था कि बहुत पास से आई। हम लोगों ने ऊंची आवाज़ में पूछा कि यहाँ पर हम लोगों के अलावा भी कोई मौजूद है।
लेकिन हमें कोई जवाब नहीं आया। दूसरी दफ़ा पूछा कि यहाँ पर हम लोगों के अलावा भी कोई मौजूद है, तो हमें बाकायदा महसूस हुआ हम लोगों के पीछे से जैसे कोई भाग कर गुजरा है। अब वो दरख्तों के ऊपर से सरसराहट तो हम लोग मुसलसल महसूस कर रहे थे, लेकिन एक से दो दफ़ा जब हम लोगों के पीछे से कोई गुजरा तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। टॉर्च हम लोगों के पास थी, चारों तरफ हम लोग टॉर्च की मदद से देख रहे थे। मेरे हाथ में भी एक टॉर्च थी। जैसे ही मैंने टॉर्च उस तरफ की, जिस तरफ से मुझे किसी के भागने की आवाज़ आई थी, तो मुझे चमकती दो आंखें नज़र आईं। वो बिल्कुल एक दरख्त के पास थी। मैंने उन लोगों को ये कहा कि वहाँ पर कोई है, मुझे कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ है। तो मेरे कज़न और दोस्त ने ये कहा कि ये मजाक का टाइम नहीं है, इस वक्त मत डराओ प्लीज़, हम लोग पहले बहुत डरे हुए हैं। मैंने लोगों से ये कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बाकायदा महसूस हुआ है कि वहाँ पर दो आंखें चमक रही हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वो दरख्त काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था और उस दरख्त की हाइट तक वो आंखें ऊपर तक चमक रही थी। हम लोग जैसे उस दरख्त के पास गए, हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि दरख्त के ऊपर कोई बैठा हुआ है। एक बहुत बड़ा वजूद था, स्याह कलर का। हमें लगा शायद कोई जानवर है, कोई बंदर है, क्योंकि जानवरों की आंखें भी ऐसे ही चमकती हैं। तो मेरे एक कज़न ने उठाकर पत्थर मारा कि अगर बंदर होगा तो दूसरे दरख्त पर चला जाएगा। जब उसने पत्थर मारा, वो पत्थर बाकायदा उसको लगा भी, लेकिन वो चीज़ अपनी जगह से हिली नहीं। ऐसे लग रहा था उसके जिस्म पर बहुत बाल है। अब हम लोगों को यकीन हो गया था कि कोई बंदर है, शायद ये बड़े साइज़ वाला कोई बंदर है। तभी एकदम से उसने इतनी डरावनी आवाज़ निकाली कि हम लोगों की चीखें निकल गईं और हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हम लोग चीखें मारते हुए जब वहाँ से भागे, तो उस तरफ से बहुत ज़्यादा डरावनी भयानक चीखों की आवाज़ें हम लोगों की चीखों के अलावा सुनाई दे रही थीं, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोगों के पीछे बाकायदा कोई भाग रहा है। और वो जो भागने वाला था, उसका वजूद रीछ की तरह था, और जो चेहरा था ऐसे लग रहा था जैसे किसी औरत का चेहरा है, और वो एक नहीं तादाद में काफ़ी ज़्यादा थी। तकरीबन 5 से 6 हम लोगों को महसूस हुई। हम लोग इतने डरे हुए थे, इतने घबराए हुए थे कि हम लोगों के साथ ये हुआ क्या है। बिल्कुल एक फिल्मी सीन लग रहा था वो। हम लोग ज़िंदगी में कभी नहीं डरे। हम लोग स्मोकिंग करते थे कुछ लड़के, तो हम लोगों ने फ़ौरन से आग लाइटर जला लिए, क्योंकि हम लोगों ने सुना था कि जिन्नात इन चीज़ों से डरते हैं। तो जब हम लोगों ने वो लाइटर जलाए, तो बिल्कुल हम लोग उस हिस्से से बाहर निकल आए थे, तो एकदम से वो शोर थम गया। हम लोग जब वापस आए, अपने होटल में वापस आए, तो रात के 1:45 का टाइम था। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, थर थर कांप रहे थे। मेरे जिस कज़न ने पत्थर मारा था, उसको बहुत सब बुखार हो गया था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो बार बार ये कह रहा था कि मेरे हाथ और बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, राइट हैंड में, और राइट साइड वाला जो बाजू था उसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसका कलर भी चेंज हो गया था, जैसे वो बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, किसी जगह पर नील भी पड़े हुए थे, ब्लू मार्क्स बने हुए थे। हम लोगों के पास कुछ मेडिसिन हम लोगों ने रखी हुई थी कि हम लोग ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि हेडेक होना, फ्लू होना, ये एक आम चीज़ थी, तो हम लोगों ने उसको मेडिसिन भी दी। इसके बावजूद उसका बुखार नहीं टूट रहा था। उसको बिस्तर में लिटाया। अब उसके पास मैं था, उसका भाई था, और एक दोस्त और था, बाकी दूसरे रूम में थे। जैसे वो सोया, हम लोग भी अपने अपने बिस्तर पर लेटे। हम लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम लोगों के साथ हुआ क्या है। सिर्फ इतना शुक्र अदा कर रहे थे कि ज़िंदगी हम लोगों की थी जो हम लोग बच के आ गए, और ना वो जानवर थे या जन्नात थे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि अगर जानवर होते तो शायद वो फ़ौरन हमला कर देते और हम लोगों को ज़िंदा ना छोड़ते। लेकिन वो आवाज़ें, वो सरसराहट, वो पीछे से गुजरना, चमकती आंखें, वो सब इशारा कर रहे थे कि वो खैर मरे मखलूकात थे, जिन्नात थे। जैसे ही तकरीबन 3:30 का टाइम हुआ, हम लोगों के उस कज़न की चीखने की आवाज़ें आने लग गईं। ऐसे लग रहा था कि उसका कोई गला दबा रहा। वो बार बार कह रहा था, मेरा गला छोड़ दो। गहरी नींद में थे दूसरे भी। मेरी एकदम से आँख खुली तो मैंने देखा कि उसके ऊपर एक काले रंग का साया झुका हुआ था। बिल्कुल वैसा ही वजूद था जैसा हमने दरख्त पर देखा था, वैसे ही उसकी आंखें थीं, लेकिन उसके अजीबोगरीब अंदाज में वो उसके ऊपर झुका हुआ था और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने अल्लाह अकबर कहा और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा, वो मखलूक गायब हो गई। वो कहाँ गई, कहाँ नहीं, हम लोगों को नहीं पता चला। दूसरे रूम से भी हम लोगों के दोस्त कज़न्स आ गए, यहाँ तक कि हम लोगों के रूम के साथ साथ वाले जो रूम थे वो लोग भी आ गए कि इनके रूम में क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने उनको ये कहा कि हमारे दोस्त की तबीयत नहीं ठीक।
मैंने उन लोगों को ये बताया कि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डरावनी किसी मखलूक को झुके हुए देखा था, जो बिल्कुल इसके सीने के ऊपर झुकी हुई थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, सिर्फ बाल ही बाल नज़र आ रहे थे और सर बहुत बड़ा था। तो उसने ये बताया, वो चीख चीख कर बता रहा था कि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था, उसके बहुत लंबे लंबे दांत थे और सुर्ख रंग की ज़ुबान मुंह से बाहर निकली हुई थी जो उसकी गर्दन तक लग रही थी, और उसका गला दबा रहा था। उसकी गर्दन के ऊपर, गले के ऊपर बाकायदा फिंगरप्रिंट्स भी थे, ब्लू कलर के निशान पड़ गए थे। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि हमारी गलती से ये सब हुआ है। उसी दिन सुबह हम लोग वापस आए। जैसे ही हम लोग वापस आए तो हमारे कज़न की तबीयत बहुत ख़राब थी, घर वालों को भी पता चल गया। तो यहाँ पर हम लोगों के जानने वाले थे, उनके एक पीर साहब थे, दम वगैरह करते थे, उनके पास लेकर गए। जब उन्होंने उसकी हालत देखी, दम किया, तो उनका ये कहना था कि इसने पहले शरारत की है, इसने पहले एक जिन को पत्थर मारा है। वो गैर मरई मखलूक थे, जिन्नात थे, जो उन पहाड़ियों पर रहते हैं, जो मरी हिल्स पर रहते हैं, और वो जगह बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है। वहाँ पर लोगों के साथ ऐसे मामलात होना एक आम बात है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, जब हम लोगों ने होटल में ऐसी चीज़ें महसूस की थी, तो वहाँ के कुछ मकामी लोगों से भी इस बारे में बात हुई थी। जब हम लोग बाहर घूमते फिरते थे तो लोगों का ये कहना था, यहाँ पर अक्सर लोगों के साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं, क्योंकि मरी जब बाकायदा एक शहर नहीं था, पार्टीशन से पहले ये अंग्रेज़ों के पास था, ये जो जगह थी, तो यहाँ पर इसको असाइलम के तौर पर यूज़ किया गया था। यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया गया था जहाँ पर ब्रिटिश जो सोल्जर होते थे उनका इलाज करते थे, और जब उनमें से कुछ मर जाते थे तो उनको एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफना देते थे, जिसको गोरा कब्रिस्तान कहते हैं। वो भी बहुत पुरसरार जगह है, उसके बारे में भी मशहूर है कि वहाँ पर बाकायदा साए नज़र आते हैं, हेवले नज़र आते हैं, और रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, मरी के कुछ रोड्स भी मशहूर हैं जिनके ऊपर जिन्नात लोगों को भागते दौड़ते नज़र आते हैं, कभी बच्चों की शक्ल में, कभी इंसानों की शक्ल में। और कभी ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाइट पर गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके आगे कुछ ऐसे हेवले आते हैं कि वो बेकाबू हो जाते हैं और उनके एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ बहुत से मामलात होते हैं। वो एक गैर आबाद जगह थी जिसको बाद में आबाद किया गया। वहाँ पर पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पर वीराने आज भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर जन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा है। इसके बावजूद हर साल लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं, इंजॉय करते हैं। हर जगह सेफ ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ मशहूर जगह हैं ऐसी जहाँ पर जन्नात का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। मरी हिल्स भी उनमें से एक जगह है। उसके बाद नबील कहते हैं कि हम लोगों के कज़न का इलाज हुआ, उसको दौरे पड़ने लग गए थे, उसको वो मखलूक हर जगह नज़र आती थी। कभी उसको अपने घर की छत पर नज़र आती थी, कभी बाथरूम में नज़र आती थी। ख़ास तौर पर जब वो अकेला होता था तो वो मखलूक उसको बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, डरावने ख्वाब आते थे उसको। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका इलाज हुआ, तावीज़ वगैरह करवाए, तब जाकर वो ठीक हुआ। तो जो लोग भी मरी जाते हैं वो बेशक जाएँ, बहुत खूबसूरत जगह है, सैर व सियाहत की जगह है, बेशक जाएँ, लेकिन रात के टाइम कभी किसी हिल स्टेशन पर ना जाएँ, कभी किसी जैसे मरी हिल्स है उस तरफ ना जाएँ, क्योंकि अंधेरे में हम लोग नहीं जानते कि हम लोगों के इर्द गिर्द कौन कौन से मखलूकात मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद ये मखलूक आज़ाद होती है और इंसान को अपना आप जाहिर करते हैं। रात इनके लिए होती है, रात को ये लोग जाग जाते हैं और इंसान सो जाते हैं। फजर की अजान होती है तो इंसान जाग जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से जन्नात कैद हो जाते हैं। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। 7 साल हो गया, 7 साल में दोबारा हम लोग अभी तक मरी नहीं गए। हम लोगों का हौसला ही नहीं बढ़ता, हम लोगों को इतना डर लगता है, क्योंकि जाते साथ एक होटल वाला हम लोगों के साथ हुआ और उसके बाद जो मरी हिल्स पर हुआ उसको हम भुला नहीं सकते। ये एक स्टोरी थी जो सरगोदा से नबील ने शेयर की। बहुत बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सीमा सुहेल इंडिया से शेयर कर रही हैं। सीमा कहती हैं, आज आपके साथ जो मेरी सेकंड नंबर वाली फूफो हैं, उनके देवर की ज़िंदगी में, उनके ससुराल में जो उनके देवर हैं, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। फूफो कहती हैं कि उनके जो देवर हैं, उनको अल्लाह ने एक बेटी और एक बेटा दिया। बेटी 2 साल की थी तो तब उनका बेटा हुआ। जब उनका बेटा 3 साल का हुआ तो उनके बेटे की अचानक से डेथ हो गई। उन लोगों ने इस बात को अल्लाह का अमर माना, अल्लाह की मर्जी मानी।
और चुप हो गए। एक दो साल गुजरे तो अल्लाह ने उनको फिर बेटा अता किया। वो उनका बेटा जब 3 साल का हुआ तो उसकी भी फिर सेम उसी डेट पर वैसे ही डेथ हो गई। उन लोगों को इस बार भी समझ नहीं आई और उन लोगों को यही लगा कि शायद ये कोई महज इत्तेफाक है, जैसे अल्लाह का हुक्म अल्लाह की अमानत ही अल्लाह ने ले ली। एक दो साल गुजरे तो अल्लाह ने फिर मेहरबानी की, अल्लाह ने उनको एक और बेटा अता किया। अब जब उसकी डेथ हुई 3 साल के बाद सेम डेट पर सेम स्टाइल में जैसे पहले दो बच्चों की हुई, तो वो लोग ज़रा कॉन्शियस हो गए और लोगों का माइंड ज़रा दूसरी तरफ गया कि हम लोगों को ये वजह पकड़नी चाहिए, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब बच्चे की एज 3 साल की होती है तो उसकी डेथ हो जाती है और सेम डे पर होती है और सेम स्टाइल में होती है। तो वो लोग एक साहिब इल्म हस्ती के पास गए। जब उन्होंने वहाँ पर जाकर उनसे अपनी बात डिस्कस की, वो एक बहुत बड़े पहुँचे बुज़ुर्ग थे, उनको सारे हालातों वाक़ियात बताए जो इतने सालों में उनके साथ हो रहे थे, 10-11 साल में जो उनके साथ हुए, तो जब उन्होंने हिसाब लगाया तो उनका ये कहना था कि आपने एक बिल्ली के बच्चे को मारा था। याद करें, आज से 10-11 साल पहले आपने एक बिल्ली के बच्चे को मारा था। फूफो के देवर से उन्होंने ये सवाल पूछा। फूफो के देवर ने जब गौर किया तो उनको उस वक्त की बात याद आई, तो उनका ये कहना था बिल्कुल मैंने एक बिल्ली के बच्चे को मारा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, क्योंकि वो हम लोगों का सामान ख़राब कर देता था, बर्तन ख़राब कर देता था, खाने पीने वाली चीज़ें ख़राब कर देता था, इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता था। जिस पर उन बुज़ुर्ग का ये कहना था कि वो कोई आम जानवर नहीं था, वो एक जिन का बच्चा था जिसकी उम्र 3 साल थी। जैसे आपने उसको मारा तो वो जिन्नात आपके दुश्मन बन गए और आपके बच्चों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि अब हम लोग क्या करें, इसका क्या हल है, हम लोगों ने तो जाने अनजाने में ये किया, क्योंकि हम लोग तो जानते ही नहीं थे कि वो कोई नॉर्मल जानवर है या जिन्नात है। उन आमिल का ये कहना था मैं आपको तावीज़ दूँगा, लेकिन उसके साथ शर्त ये होगी कि आप लोगों को वो घर छोड़ना होगा, एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को वो घर छोड़ना होगा। उस घर को जब आप छोड़ेंगे, मेरे तावीज़ों का जब आप अमल करेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको फिर औलाद अता करेगा। उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया, अल्लाह का फिर करम हुआ, अल्लाह ने उनको चौथा बेटा दिया। तो माशाल्लाह से वो ठीक था। जब उसकी एज तकरीबन 3.5-4 साल होगी तो लोगों को यकीन हो गया कि उस घर को छोड़ने के बाद वो नहुसत टल गई है हम लोगों से, शायद उन जिन्नात ने हमारा पीछा छोड़ दिया है। तो एक दिन वो अपने बच्चे को लेकर बाहर निकले। अब वो जो घर उन लोगों ने छोड़ा था, वहाँ पर उनके दूसरे भाई रहते थे। उनसे मिलने के लिए जैसे उस घर में गए, तब उस बच्चे की एज 4 साल थी। उस बच्चे को वहाँ पर लेकर गए तो उस बच्चे ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके बच्चे को कोई मखलूक नज़र आ रही है, कोई उसको डराने की कोशिश कर रहा है। वो चीख चिल्ला कर बाहर भागता था। उसको जैसे ही बाहर लेकर आए तो वो ठीक हो गया। फ़ौरन से आमिल साहब के पास आए और उनको सारी बात बताई। तो आमिल साहब का ये कहना था कि वो जिन्नात आज भी उस घर में मौजूद हैं, इस बच्चे को दोबारा लेकर वहाँ पर मत जाइएगा, वरना वो इसको जानी नुकसान पहुँचा देंगे। बेशक आप लोगों ने वो घर छोड़ दिया, उन जिन्नात ने आपका पीछा भी छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को वहाँ पर लेकर जाएंगे तो वो जिन्नात इसको अपनी असल शक्ल में नज़र आएंगे और इनको डराने की और इन पर हमला आवर होने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद दोबारा से कभी भी वो अपने बच्चों को लेकर उस घर में नहीं गए, बल्कि जब उन लोगों को मिलना होता है तो वो लोग इनके घर आ जाते हैं। उन जिन्नात ने उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, ना ही उनको डराते थे, लेकिन जो पुप्पो के देवर थे उनके बच्चों को जानी नुकसान भी दिए और उनको डराना भी शुरू कर दिया था। ये एक स्टोरी थी जो सीमा सुहेल इंडिया से शेयर की। बाद में लोगों ने बहुत केयर की और दोबारा कभी भी उस घर में नहीं गए। अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश हैं। बाकायदा उन लोगों ने तावीज़ लिए, इलाज करवाया, तब जाकर वो लोग ठीक हुए, तब उन जिन्नात ने उनकी जान छोड़ दी। बहुत शुक्रिया सीमा सुहेल आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर शमशान नावल कम्प्लीट हो चुका है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब मैं वहाँ पर एक नया नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह ये भी बहुत हॉरर नावल होगा, जिसकी कल पहली एपिसोड होगी। वो नावल कौन सा होगा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है।
उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर मेरे सेकंड हॉरर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग वैसे भी हॉरर उर्दू सेंटर अपने यूट्यूब ब्राउज़र में लिख कर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा, जिस पर 4 नॉवल्स मैं ऑन एयर कर चुकी हूँ। 5वां नॉवल मैं कल स्टार्ट करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और हॉरर होगा। नुशीन वॉइस ऑफिशियल पर मैं डेली बेसिस पर शॉर्ट्स बीटा पोस्ट करती हूँ, 15 सेकंड के भी होते हैं, 60 सेकंड के भी होते हैं, तो उनको ज़रूर विज़िट किया करें, आप लोगों को पसंद आएंगे। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें। कल आप लोगों के लिए मैं स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकी, कुछ बिज़ी स्केड्यूल था जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह मैं रेगुलर स्टोरीज़ आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लेकर आऊँगी। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे वालदैन को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निकेपान।